हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 2.4। तो देखते हैं क्या कह रहा है एग्जांपल 2.4। एग्जांपल 2.4 ऑफ चैप्टर नंबर 2 एंड बोर्ड अपना है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और सब्जेक्ट आपको बताने की जरूरत नहीं है और क्लास आपको पता ही है। तो एक ग्राउंड है, तो एग्जाम्पल 2.4 क्या कहता है। A charge Q is placed uniformly over a loop of radius R. Good. अपने पास कोई लूप है whose radius is R और उसकी रेडियस है R, and charge Q is placed over the loop. मतलब कि लूप पर चार्ज प्लस Q है। Done. Find the electric field intensity at a point. Find कर लेते हैं। Find the electric field intensity at a point situated at distance x from the center on the axis of loop. Good. तो क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन अपने को ये कह रहा है कि अपने पास एक लूप है जिसकी रेडियस r है, उस पर चार्ज जो है q प्लेस्ड है। उस लूप की एक्सिस पर, लूप की एक्सिस है, अब यहां अपने थोड़ा 3D हो जाएगा, तो इसको अपने बनाते हैं बोर्ड पर। तो कुछ इस तरह से है, दिस वन इज सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R. हो गया। और ये जो है, वन सेकेंड, और ये जो है एक्स एक्सिस भी है एंड एक्सिस ऑफ लूप भी है। डन। एंड वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एंड पॉइंट पी इज एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो पॉइंट पी यहां पर है। अब हमें यहां पर पता करना है कि फील्ड क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। एंड लूप इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विद पॉजिटिव क्यू। क्लियर, इस लूप को यूनिफॉर्मली चार्ज्ड किया है और वो चार्ज है प्लस क्यू। डन। कुछ इस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम। तो करना क्या है, देखो अपने पढ़ा हुआ है, जो फॉर्मूले है वो आपको ध्यान में होने चाहिए। ड्यू टू लेट, मैं इसको एक छोटा सा एलिमेंट की फॉर्म में मान लेता हूं। मान लो ये अपने पास एक छोटा सा एलिमेंट है, जैसे ये अपने पास एक लूप हो गया, एंड दिस वन इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस लूप। ये इस लूप का एलिमेंट है, और इस एलिमेंट को नाम दे देता हूं मैं ए बी। क्लियर। सेम टू सेम वी हैव अनदर एलिमेंट लाइक दिस, एंड इसको भी मैं नाम दे देता हूं ए डैश एंड बी डैश। आ रही है बात समझ। इस एलिमेंट पर जो चार्ज है वो थोड़ा सा होगा लेट, दैट इज डी क्यू। सिमिलरली इस एलिमेंट पर भी चार्ज थोड़ा सा होगा और वो होगा डी क्यू। एंड लेंथ ऑफ एलिमेंट छोटी सी है तो वो है डी एल। इन दिस केस ऑल्सो लेंथ ऑफ एलिमेंट इज डी एल। तो इतना कुछ बेटर अपने को समझना पड़ेगा। अब देखो, ड्यू टू दिस एलिमेंट एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब इस छोटे से एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन होगा। सेम टू सेम इस एलिमेंट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। क्लियर। तो ये जो लूप है, अपना एलिमेंट है ए बी है, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट इज डी ई वेक्टर। डन। एंड ड्यू टू दिस एलिमेंट ए डैश बी डैश इलेक्ट्रिक फील्ड इज DE dash vector. हो गया। एंड दिस वन एंगल थीटा, देन दिस विल ऑल्सो बी थीटा। ये भी थीटा होगा बिकॉज ये रेडियस आ रहा है, तो इधर भी रेडियस आ रहा है, तो ये दोनों जो ट्राइंगल बने ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो फिर एंगल सेम हो जाएंगे। तो फिर अगर ये थीटा है तो भाई ये भी थीटा होगा और ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। इस तरह से क्रॉस बन रहा है तो एंगल इक्वल होंगे। नाउ अब करना क्या है, हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते बिकॉज ये उधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, तो प्रॉपर नहीं है। तो क्यों ना हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में डिवाइड कर लें। तो मैं क्या करता हूं, DE डैश का कंपोनेंट बनाता हूं। एक बनेगा ऊपर, एक बनेगा अलोंग x एक्सिस। देन देन ये थीटा है तो इधर की ओर जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी DE डैश cos थीटा, एंड अलोंग y एक्सिस कंपोनेंट विल बी DE dash sin theta। ये सब अपने सीखा हुआ है कॉम्पोनेंट बनाना। सेम टू सेम एट पॉइंट P देयर विल आल्सो बी कॉम्पोनेंट ऑफ DE वेक्टर,
along x-axis component will be dE cos theta, and in this side component will be dE sin theta. हो गया? अब कुछ कुछ हो रहा है. क्या हो रहा है सामने देखो. तो dE dash component इधर, dE sin theta component और ये दोनों इधर उधर. तो क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए कि ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल आउट. तब तो बात बन जाएगी. देन इन दैट केस वी कैन ऐड कंपोनेंट dE dash cos theta एंड dE cos theta, एंड इनकी जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी अलोंग एक्स एक्सिस. क्लियर? तो इनको कैंसिल करने का काम करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं. लेट फ्रॉम दिस पॉइंट टू पी डिस्टेंस इज आर, तो फिर यहां से भी तो डिस्टेंस आ रही होगी. कंग्रेट हो गया. अब देखो, इस छोटे से एलिमेंट ए बी पर चार्ज है डी क्यू. ड्यू टू दिस चार्ज डी क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी थोड़ा सा है डी ई वेक्टर. देन इन मैग्नीट्यूड फॉर्म डी ई विल इक्वल टू के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर. कुछ याद आया ये कहां से है? नहीं याद है तो इधर ध्यान दो. पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर. तो अगर अपने पास चार्ज थोड़ा सा है डी क्यू, तो मैं क्यू की जगह डी क्यू लिख सकता हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैं डी ई लिख सकता हूं. तो ये कुछ ऐसे हो गया. क्लियर? मैग्नीट्यूड इन दिस साइड सेम टू सेम. ड्यू टू एलिमेंट ए डैश बी डैश, इस एलिमेंट का जो चार्ज है डी क्यू, इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इन मैग्नीट्यूड वो भी क्या होगा, के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर. बिकॉज चार्ज डी क्यू है, डिस्टेंस आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर होगा. नाउ अब देखो, अपने जो चाहते थे वो हो गया. क्या हुआ? डी ई डैश एंड डी ई बोथ आर इक्वल. Now, from these equation, we see that modulus, DE is equals to DE dash. Equal हो गया. तो मैं यहाँ DE sin theta भी लिख सकता हूँ, यहाँ DE dash sin theta भी लिख सकता हूँ. Then in that case, both get cancel out each other. दोनों एक दूसरे को cancel कर देंगे, काम खत्म. Now, अब मेरे को एक चीज बताओ कि ये तो चलो cancel हो गया. Then along x-axis, कौन से component responsible हैं for electric field? तो वो कंपोनेंट है DE dash cos theta and another DE cos theta. तो इस तरह से अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट P वो ओनली होगा ड्यू टू कंपोनेंट D cos theta DE dash cos theta. Then इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी the summation or integration of all component dE cos theta. तो इन सब dE cos theta component के integration के equal होगा, या sum के equal होगा. मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, will be equal to the summation of all dE cos theta component. आ रही है बात समझ? Okay, तो ये हो गया. अब dE की value put करनी है, cos theta की वैल्यू पुट करनी है, और रिजल्ट आ जाएगा. Then E is equals to, अब DE कितना था? तो ये रहा अपने पास DE, क्या है? K DQ over R square. Then integration K DQ over R square and cos theta. अब cos theta का इंटीग्रेशन नहीं करना, cos theta की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि यहां D theta थोड़ी लिखा है जो इसका इंटीग्रेशन कर दोगे. Then तो अब अपने cos theta की वैल्यू पुट करते हैं. देन cos theta का फॉर्मूला क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, यही होता है. देन बेस क्या है यहां पर? ये है O to P which is x over हाइपोटेन्यूस क्या है? r. देन वी गेट cos theta equals to x over r. तो cos theta अपने को मिल गया x over r. देन तो अब एक मिनट इसको रेज कर लेता हूं मैं. तो अब अपने पास जो वैल्यू आई, a इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के डी क्यू एक्स ओवर आर क्यूब. आ रही है बात समझ?
अब बात आती है डी क्यू की। तो डी क्यू क्या है? डी क्यू है सॉरी डी क्यू है एक थोड़ा सा चार्ज, ओके, एक स्मॉल एलिमेंट पर प्रेजेंट चार्ज। ठीक है, बात आ रही है कुछ समझ। और ये चार्ज किस पर है? कोई सरफेस पर है, वॉल्यूम पर है, या किसी रिंग पर है? तो आंसर है रिंग पर है। तो हम कौन सी डेंसिटी यहां अप्लाई करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बताओ। तो हम अप्लाई करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू ओवर एल, यही होती है। बट वी हैव चार्ज डी क्यू, देन वी कैन राइट डाउन इट लैम्डा इट लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी एल, ये हो गया। देन वी सी दैट डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा डी एल। नाउ अब इस वैल्यू को यहां पुट करो, देन ई विल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डी एल एक्स ओवर आर क्यू। आई बात समझ? अब उसके बाद बड़े ध्यान से देखते रहो, के क्या चीज है? बोलो के क्या चीज है? के है कांस्टेंट। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। लैम्डा क्या है? कांस्टेंट। तो जितने भी कांस्टेंट है भाग ले आओ, के भी कांस्टेंट, लैम्डा भी कांस्टेंट, एक्स क्या है? ये डिस्टेंस है, ये भी कांस्टेंट, ओके। एंड आर क्यूब क्या है? ये भी कांस्टेंट। तो बचा क्या? ओनली डीएल। देन डीएल 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 इंटीग्रेट होकर के सर्क्यूफेरेंस फॉर्म कर लेगा, बना लेगा। दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल बी द सर्क्यूफेरेंस। इसकी सर्क्यूफेरेंस होगी बिकॉज ये रिंग है, ध्यान रखना एरिया ऑफ सर्कल नहीं होगा, बिकॉज ये रिंग है तो यहां पर इसकी सर्क्यूफेरेंस आएगी। एंड रेडियस कैपिटल आर है, देन सर्क्यूफेरेंस विल बी 2 पाई आर। तो अब मैं इक्वल्स टू लिख दूंगा के लैम्डा एक्स ओवर आर क्यूब एंड 2 पाई आर। हो गया हिसाब किताब, ओके, चल रहा है काम। तो आगे देखो, अब हम इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा अपने पास, के इक्वल्स टू क्या होता है, या तो के की वैल्यू पुट कर दो, या फिर एक काम और कर सकते हैं अपने, 2 पाई आर इंटू लैम्डा, इसका भी एक वैल्यू है। बिकॉज जरा देखो, अपने को टोटल जो चार्ज है वो क्यू गिवन है, देन मैं ये भी तो कह सकता हूं कि लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज ओवर लेंथ, ये भी फॉर्मूला होता है। एंड लैम्डा विल इक्वल टू चार्ज ओवर लेंथ क्या है फिर? लेंथ तो एक सर्कमफेरेंस फॉर्म कर रही है, 2 पाई आर। मीन्स क्यू इज इक्वल टू 2 पाई आर लैम्डा। तो अपने पास क्यू की वैल्यू ये भी आ गई है, 2 पाई आर लैम्डा को हम लिख सकते हैं एज अ क्यू, बिकॉज अपने पास चार्ज क्यू गिवन है। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू एक्स, बिकॉज 2 पाई आर लैम्डा इक्वल टू क्यू, के क्यू एक्स ओवर आर क्यू। तो ये है अपना रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर? ये पॉइंट बी पर। अब एक चीज और हो सकती है इन टर्म ऑफ एक्स, बिकॉज डिस्टेंस हम ओरिजिन से मेजर करते हैं और यहां पर तो आर भी आ रहा है, तो इसको आर को एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो ये तो न्यूमेरिकल है, एक्चुअल में न्यूमेरिकल नहीं है, एक टॉपिक ही है, तो बड़े आराम से इसको समझो, ठीक है, नहीं तो फिर घबरा जाओगे। तो ए इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स ओवर आर क्यूब। तो आर क्यूब क्या हो सकता है, सोचो, आर ये है, एक्स ये है, ओके। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस याद है सभी को, पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बट अपने को रिक्वायरमेंट है क्यूब की, देन आर क्यूब विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो आता ही होगा सभी को कि कैसे किया, और अगर नहीं पता है तो अपने इसको ऐसे मैं बता देता हूं, r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, देन r कैन बी रिटन एज ओनली r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर हाफ, ऊपर वाले को पावर 1 लिख देता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई किया r क्यूब आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, तो अपने 3/2 आ गया। अब इस r क्यूब वैल्यू को यहां पुट कर दो तो रिजल्ट आएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2।
तो एक्चुअल में ये था अपना टॉपिक, ओके। और देखते हैं इसमें अपने को कुछ एक्स्ट्रा और चीज तो कुछ नहीं रहा है, बस ठीक है, इतना ही करना था। तो ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप फाइंड आउट करना था। मैं चलो आपको बता ही देता हूँ एक चीज और। सपोज दैट अगर अपना पॉइंट भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होता, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होता, दैट मीन्स एक्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होता, तो देन एक्स इज वेरी वेरी लार्ज देन और ग्रेटर देन हो जाएगा आर। तो अब आर क्या है, नेग्लेजिबल हो जाएगा, और नेग्लेजिबल होते ही तो अपने को ई इक्वल्स टू मिलेगा के क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब से ऊपर वाला कैंसिल एक्स स्क्वायर, मींस आ जाएगा के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये कौन सा रिजल्ट आया अपने पास, ये सेम वही तो आ गया के क्यू ओवर आर स्क्वायर की तरह। मींस अगर पॉइंट भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, या इस तरह से बिहेव करेगा कि इसका जो चार्ज है वो सेंटर वाइज है, यहां पर है, डन। तो ये था अपना न्यूमेरिकल 2.4। तो एग्जांपल 2.5 पर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है एग्जांपल 2.5। ये कह रहा है कि अच्छा एग्जांपल है, ए स्फीयर एंड अ सर्कुलर लूप आर आइडेंटिकली चार्ज्ड, ठीक है, दोनों चार्ज नो प्रॉब्लम, एंड बोथ आर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एक स्फीयर है और एक लूप है, ठीक है, रेडियस आर है, बोथ हैव चार्ज क्यू, ठीक है, द सेंटर ऑफ स्फीयर इज ऑन द एक्सिस ऑफ लूप। तो स्फीयर का जो सेंटर है ये अपने बना लेते हैं स्फीयर, दिस वन इज स्फीयर, और स्फीयर का सेंटर, द सेंटर ऑफ स्फीयर इज ऑन द एक्सिस ऑफ लूप, तो ये हो गया कोई लूप, और इस लूप की एक्सिस पर चार्ज इस पर भी क्यू है और इस पर भी क्यू, ऐसे है सेंटर, इसको मैं ओ नाम दे देता हूं, इसको ओ डैश दे देता हूं, ओके। फिर ये कह रहा है द सेंटर ऑफ स्फीयर इज ऑन द एक्सिस ऑफ लूप एंड इज एट आर रूट थ्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, ओके। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो थोड़ी देर पहले हमने टॉपिक में अभी मान रखी थी, सॉरी टॉपिक में जो हमने पुट कर रखी थी एक्स, लेट की थी ना एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू आर रूट थ्री थी from the center of loop, find the electric force between the sphere and loop, then तो हमें इन दोनों के बीच जो force लग रहा है वो find out करना है, और हम जानते हैं force is equals to charge into electric field होता है, that means पहले मेरे को due to this loop electric field find out करना पड़ेगा at point O, okay, after that we can be find out force between both, then तो करें इसको। तो अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बताया थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द लूप ऑन एक्सिस होता है के क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, यही होता है, अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ लूप, on the axis of loop होता है इतना, then force is equals to होता है charge into electric field, given it, then force will be charge into electric field, oh, axis not अक्ष, okay, हिंदी मीडियम में नहीं इंग्लिश मीडियम में लिखना है, then q, तो q into e, q से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा k q into q, q square हो गया, x over r square plus x square power 3/2, हो गया। अब देखो k q square x, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, but r की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू r root 3 गिवन है, तो यहां पुट करनी पड़ेगी, तो ये अपने पास हो जाएगा r square plus एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दें इसका हाथवाथी, आर स्क्वायर इंटू थ्री, और बाद में इसका 3/2 है कुछ इस तरह से, तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी एक्स की स्क्वायर करके और उतना हो गया, देन वी गेट के क्यू स्क्वायर एक्स
ओवर 3r² + r² कितना होता है 4r² देन, और मैं उस 4r² को 2r ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ठीक है, बिकॉज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं 4r² को लिख रहा हूं 2r ऐसे, और बाहर अपने पास 3/2 है ही। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, देन वी गेट ओनली k³² x ओवर 2 का क्यूब 8, r का क्यूब r क्यूब, इतना हो गया। अब जो है रेडियस अपने को गिवन है क्या, पहले चेक करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में रेडियस की वैल्यू गिवन है या नहीं है। स्फीयर एंड सर्कुलर ऑफ बोथ आर, ठीक है ठीक है, नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम, रेडियस की वैल्यू गिवन नहीं है, तो फिर यही आंसर है, बस खत्म। एक काम और हो सकता है, मैंने बुक में अभी देखा तो आंसर इसका 32π ε0 आ रहा था, नो प्रॉब्लम, के की वैल्यू पुट की हुई है, दैट मींस मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1/4π ε0 एंड q² x ओवर 8r³, देन इट बिकम q² x ओवर 8 × 4 = 32π ε0 r³, देन दिस वन इज फोर्स न्यूटन, देन दिस वन इज फोर्स बिटवीन बोथ, If distance between both is x equals to r root 3. अब यहां बच्चे क्या करते हैं, एक आपको एक्स्ट्रा चीज बताता हूं, थोड़ा सा इसको पहले देख लो आराम से, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा चीज बताता हूं, बच्चे क्या करते हैं कि सर इस पर चार्ज q है, इस पर चार्ज भी q है, डिस्टेंस अपने को गिवन है, तो सर कूलॉम्स लॉ बिल्कुल इजीली अपने को कहता तो है k q1 q2, r² कर दो काम खत्म, ठीक है, तो इरेज कर देता हूं इधर से, इरेज, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, मैं कह ठीक है कर लेते हैं भाई आपकी बात मान लेते हैं, तो k q q ओवर डिस्टेंस है r रूट 3 का स्क्वायर, यही होगा, तो क्योंकि r जो डिस्टेंस होती है बीच में, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, अपने को x गिवन है, तो घबराने की जरूरत नहीं कि मैंने r की जगह ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है। देन ये आ गया k q स्क्वायर ओवर रूट 3 का 3 हो जाएगा r स्क्वायर, तो सर आंसर तो ये है, तो फिर आप ऐसे इतना ज्यादा ये कर रहे हो। अब जरा सोचो, जब अपने कूलॉम्स लॉ पढ़ते थे तो वो दोनों जो चार्ज होते थे वो पॉइंट चार्ज होते थे, उनके बीच की डिस्टेंस उन दोनों चार्ज के डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती थी। अब अगर मैं ये काम करूं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दूं, तब ये भी तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, तब फिर ये वैलिड है, अदरवाइज अभी डिस्टेंस कम है, कितनी है डिस्टेंस, रेडियस का 1.41 टाइम ही तो है, टाइम्स तो है, ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो ये था अपना एग्जांपल 2.5, तो बच्चे लोग ध्यान रखना एग्जांपल 2.4 एंड 5 दोनों साथ साथ ही हैं, एक का रिजल्ट याद होगा तब दूसरा होगा, नहीं तो फिर दोबारा से सारा कुछ करना पड़ जाएगा। एग्जांपल 2.6 पर चलते हैं, क्या कहता है चेक करते हैं, कह रहे हैं कि अ चार्ज ऑफ 7.6 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस, क्या क्या है, ए चार्ज ऑफ 7.6 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 0.3 मीटर, ठीक है, तो स्फेरिकल सरफेस है कोई, स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर चार्ज रखा है 7.6 माइक्रो कूलम, ओके, एंड रेडियस है 0.03 मीटर रेडियस, ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल सरफेस, डन, कोई स्फेरिकल सरफेस है इस तरह से, ठीक है, उसके सेंटर पर चार्ज रखा है और उस स्फेरिकल सरफेस की जो डायमीटर रेडियस है वो 0.03 मीटर, तो ये कह रहा है फ्लक्स फाइंड आउट करो, तो देखो चार्ज दे रखा है, फ्लक्स फाइंड आउट करना है, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट, बट चार्ज अपने पास सिंपल सा है, देन 7.6 माइक्रो है तो 10^-6 पर ये हो जाएगा 8.854 × 10^-12, ओके, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर, मैं सीधा बुक से बता देता हूं, 8.6 × 10^5 आ रहा है 10^5 न्यूटन, लंबी छोटी यूनिट में मत जाओ, फ्लक्स है वोल्ट मीटर लिख दो, क्लियर,
और वोल्ट पर मीटर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ध्यान रखना। तो ये था 2.6 ईजी सा बिल्कुल। अब चलते हैं 2.7 पर। तो एग्जांपल 2.7 क्या कहता है देखते हैं, 7 पर देखते हैं क्या कहता है। तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द फिगर, ओके तो पहले फिगर ही बना लेते हैं लाइक दिस। अकॉर्डिंग टू द फिगर अ पॉइंट चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ए हेमिस्फेरिकल सरफेस। तो हेमिस्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर चार्ज क्यू को रख दिया। कैलकुलेट टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ठीक है। तो हमें इस सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो गाउस ये कहता है कि अपना जो चार्ज होता है वो सरफेस के अंदर इंक्लोज होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो खुला पड़ा है, ऊपर से ओपन है एकदम, तो क्यों ना अपने सेम टू सेम टाइप की एक और शेप इसके ऊपर रख दे। तो अब ये गाउस लॉ को ओबे करेगा, बिकॉज अब क्या हुआ एंक्लोज्ड हो गया, देन बाय गाउस लॉ फ्लक्स लिंक विद दिस होल सरफेस विल बी चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अपने को तो इसमें से ही फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, ये नीचे वाले में से। देन फ्लक्स लिंक विद दिस वन विल बी हाफ ऑफ दिस, देन डायरेक्ट आंसर हो जाएगा q ओवर 2 एप्सिलॉन। ध्यान रखना सीधा मत कर देना कि ये हाफ है तो हाफ हो गया, पहले